सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो मूवीज इन और आज हम बात करने वाले हैं सुपरमैन अनबॉर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी बेस्ड है 2008 की कॉमिक सुपरमैन ब्रेनियक के ऊपर, जहाँ पे ये 16th फिल्म है डीसी मूवी यूनिवर्स की। जी हाँ दोस्तों, डीसी एनिमेशन मूवी यूनिवर्स की 16वीं फिल्म। अब तक आपको पता नहीं है कि ये क्या है, कि भाई डीसी एनिमेशन यूनिवर्स कब बन गया, तो इसके लिए आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे एक वीडियो सामने आएगा और वो सब कुछ आपको समझा देगा और बाकी की सारी फिल्में उसी में आपको मिल जाएगी। इस फिल्म को कनेक्ट किया है सुपरमैन बैटमैन अपोकलिप्स से, इसलिए इस मूवी में सुपर गर्ल को इस फिल्म में दिखाया गया है, जहाँ पे हमें उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई गई है, ताकि आगे आने वाली फिल्मों को हम समझ सके। तो चलिए आइए मिलके देखते हैं सुपरमैन अनबॉर्न की पूरी पूरी कहानी। तो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है लुईस लेन के किडनैपिंग से, जहां आ जाती है सुपरगर्ल जो कि उन लोगों को मारने लगती है, और उनको मारते हुए देख और सुपरमैन तभी वहां पे आ जाता है और लुईस को हमारे बचा ले जाता है डेली प्लैनेट में, जहां पर दोनों अपने रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं। यानी लुईस बात कर रही है कि मैं चाहती हूँ कि क्लार्क और मेरा रिश्ता, यानी तुम्हारा और मेरा रिश्ता पब्लिकली अब एक्सेप्ट किया जाए, पब्लिकली बता दिया जाए। इस बात पर बोलने जाता है अपना क्लार्क, तभी वहाँ पे एक न्यूज़ आ जाती है कि भाई एक मीटियोराइड अर्थ की तरफ आ रहा है, जिसे रोकने के लिए हमारा सुपरमैन चला जाता है। और वो कोई मीटियोराइड नहीं होता है दोस्तों, वो होता है एक रोबोट, एक्चुअल में एक ड्रोन होता है, जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस और एक ऑडियो डिवाइस भी होता है, जिसको मारकर सुपरमैन उसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेके जाता है अपनी जगह पर, जहाँ पर सुपर गर्ल भी आ जाती है और वो बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्रेनियाक का ड्रोन है। जी हाँ दोस्तों, सुपर गर्ल बताती है कि भाई वो एक रोबोटिक ह्यूमन जैसा दिखने वाला बंदा है, जिसके पास बहुत सारी पावर्स है, जिसके पास प्लैनेट्स की पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये आता है और उसे एक्चुअल में एक छोटे से प्लैनेट को लेके चले जाता है, जिस तरह से उसने कंदर सिटी में भी किया था, जहाँ पर उसने अपने उसके पेरेंट्स को यानी सुपर गर्ल के पेरेंट्स को मुझे बचाया और ब्रेनियाक को रोकने की कोशिश की, पर उसके रोबोट वाले ड्रोन आर्मी ने उसके स्कल जैसे दिखने वाले शिप के अंदर कंदर को अपने कब्जे में कर लिया। ये कैसे किया ये आप यहाँ पे अभी इमेज में देख भी रहे हो, जहाँ पे अर्थ पर ये अभी आ रहा है और यहाँ पे भी ऐसी तबाही करेगा ऐसा उसे लग रहा है, जहाँ पर वो घबराई हुई है। ब्रेनियाक अब इस दुनिया के वैसे ही हालत करेगा जैसे उसने कांदोर की है। इस वजह से सुपरमैन जाता है ब्रेनियाक को ढूंढने, क्योंकि वो अगर हमला करे उससे पहले ही सुपरमैन उसे रोक दे, ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाता है अपनी उसी क्रिप्टोनाइट शिप में, जहाँ पर सुपरमैन को दिखता है एक कैपिटल प्लैनेट, जो कि है ब्रेनियाक अपने कब्जे में लेते हुए दिख रहा है, जहाँ पर वो प्लैनेट का कुछ हिस्सा अपने साथ लेके जाते हुए दिख रहा है और वहाँ के सन को ख़त्म कर देता है, जिससे प्लैनेट ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से सुपरमैन की हालत भी बेहोशी हो जाती है और फिर ब्रेनियाक की शिप में उसको ले जाया जाता है, जहाँ पर ड्रोन उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तभी वो उठ जाता है और उन ड्रोन को ख़त्म कर देता है और वो पहुंच जाता है ब्रेनियाक के सामने, जहां पर उसे दिखते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स उसने एक ग्लास के अंदर कैद करके रखे हैं, एक एक ग्लास के अंदर बंद करके रखे हैं। तभी ब्रेनियाक जाग जाता है और सुपरमैन को बताता है कि वो सारे प्लैनेट्स की इन्फॉर्मेशन लेता है इन्हीं केबल्स की मदद से, यानी पूरे पूरे उसके सिर के अंदर एक केबल्स लगे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े केबल्स उसके पूरे के पूरे एक्चुअल में उसके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन डालते हुए दिखते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में सुपरमैन उसको मारने लगता है, पर ब्रेनियाक टेलीपैथी की मदद से सुपरमैन को एक्चुअल में पूरा का पूरा पता कर लेता है कि अपना जो अर्थ है वो, यानी सुपरमैन कहाँ से आया है और वहाँ पे कब्जा करने के लिए अभी ब्रेनियाक निकलेगा, ऐसा सुपरमैन को बताता है, जहाँ पर सुपरमैन फिर से लड़ने लगता है और तभी अपना जो ब्रेनियाक है उसको कांदर के अंदर डाल देता है, जहाँ पे सुपरमैन को भेजने के बाद उसी ग्लास के अंदर वहाँ पे भेज देता है, जहाँ पर सुपरमैन वीक होता है क्योंकि अंदर आर्टिफिशियल रेड सन होता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अंकल ज़ोर-एल और आंटी लॉरा से, और वहाँ के लोग सुपरमैन को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि जैसे ब्रेनियाक ने सबको अंदर कैद करके रखा है, जहाँ पर सुपरमैन को पता चलता है कि एक्चुअल में ब्रेनियाक का नॉलेज जब तक आउट ऑफ डेट नहीं होता तब तक वो दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाता, पर जब जाता है तब वो वहाँ की सिविलाइजेशन का नॉलेज लेके उस पूरे प्लैनेट को ही ख़त्म कर देता है।
सुपरमैन एक प्लान बनाकर वहाँ से उस जगह से बाहर निकल आता है जहाँ पर वो ब्रेनियक को डिसेबल करते हुए नज़र आ रहा है और उस शिप के अंदर का जो अपना जो कांदोर सिटी है वो भी उसके साथ लेके वो अर्थ पे आ जाता है। तभी इधर अर्थ पे सुपर गर्ल और लुइस के साथ बातचीत होती है जहाँ पे सारी बातें सुपर गर्ल उसको बता देती है कि हाँ सुपरमैन रोकने गया है ब्रेनियक को, उसने ऐसी तबाही की थी। इस सारी यानी जो भी चीज़ें सुपर गर्ल को पता थी वो सारी चीज़ें लुइस लेन को वहाँ पर बता देती है। फिर इधर हम देखते हैं कि ब्रेनियक की शिप में वो जाग जाता है और अर्थ पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पे मेट्रो सिटी अपनी जो मेट्रोपोलिस सिटी है वहाँ पर वो आता है और अपने कब्जे में लेने लगता है और इधर सुपरमैन सुपर गर्ल को भी पकड़ लेता है। सुपरमैन डाटा की मदद से पूरा का पूरा ब्रेनियक को टॉर्चर कर रहा है और फिर वो ओवरलोडिंग के कारण ब्लास्ट हो जाता है। कौन? अपना ब्रेनियक। फिर मेट्रोपोलिस सिटी के साथ कांदोर को भी वो उसके प्लैनेट पर रख देता है और वो अच्छे से पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है, जो कि ग्लास में छोटा था तो एक्चुअल में अभी बड़ा हो गया और अच्छे से वो प्लैनेट अभी रहने लग गया है। अभी इधर ब्रेनियक की बॉडी को अपने सॉल्यूट्यूड में यानी रख दिया है सुपरमैन ने। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेली प्लैनेट में, लुइस और क्लार्क अपनी जो रिलेशनशिप है ये पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को किस करके, और लुइस को मैरिज के लिए प्रपोज भी करता है अपना क्लार्क। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि ब्रेनियक की पावर एक्चुअल में शुरू हो जाती है, जो कि एक्चुअल में छोटा सा एक गैजेट बताया गया है, उसके अंदर ही उसकी पूरी पूरी ताकत होती है जहाँ पे वो जागते हुए हमें नज़र भी आ रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों ये हो जाती है पूरी की पूरी मूवी यहाँ पे ख़त्म। मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, मेरे हिसाब से ब्रेनियक को समझने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। ब्रेनियक के बारे में, सुपर गर्ल के बारे में कि वो कहाँ से आई है, उसके साथ क्या हुआ था, ये सारी डिटेल्स हमें इस मूवी में मिल जाती है जो कि बाकी के मूवीज़ में नहीं मिलती है। आप क्या क्या कहना है इस मूवी के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ अपने DC फैंस के साथ, सुपरमैन फैंस के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना मूवीज़ इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।